very good afternoon from Davis, Oklahoma. Or we're talking about SBL today. Perception about SBL. A very scary perception. बड़ा डरावना paper. यानी बहुत ही इसका terror लोगों के लिए. और मैं कहूँगा, it's not a perception, it's a reality. ये reality भी है. Students, यानी मैं देख रहा हूँ, they are delaying this paper. कि वो देना ही नहीं चाह रहे इस paper को. क्या अब ये देते हैं, फिर ये देते हैं. But उसको थोड़ा सा prolong कर रहे हैं. और I think they're doing good. ऐसे ही कर रहे हैं. क्योंकि अगर वो F8, F9 के बाद direct switching to SBL, जो कि बन रहा है. और अगर उधर ही वो स्विच हो रहे हैं, तो ये इसकी मिसाल तो मैं ऐसे लूँगा कि यू ड्राइविंग एट 30 miles an hour, उस स्पीड पे आप जा रहे हो, और सडनली आपको जो है वो 75-80 miles पे वो freeway पे लाके खड़ा कर दिया. तो ज़ाहिर है उसके लिए तो उसमें तो बड़े rapid decisions लेने हैं, बड़ा different है यानी, it's totally a different paradigm. मैं आपको कुछ advice देना चाहूँगा. सबसे पहली चीज़, a very good advice, एक दो मैं दूँगा. देखिए, सबसे पहले it's not a paper, it is a project. MP3 के लिए भी कहता था, लेकिन इसके लिए तो अब कोई, there is no second thought. इट्स अ कम्प्लीट प्रोजेक्ट जिसमें यू आर अ कंसल्टेंट, और उसमें एक शख्स अपने इदारे के बारे में बात कर रहा है आपसे, अबाउट इट्स इंटरनल एक्सटर्नल इंडस्ट्री डायनामिक्स, इन सब के बारे में बात कर रहा है. और फिर वही जो मैंने कहा ना, 30-80 माइल्स, कहाँ 2000 वर्ड्स के पेपर से यू स्विचिंग टू 10,000 वर्ड्स. तो वर्ड्स की, पेपर की इतनी दहशत है, इतने घबराते हैं लोग. सबसे पहले आपको उस टेरर को रिड्यूस करना होगा. अब वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए यू हैव टू बी अ वेरी वेरी गुड रीडर, अ वेरी स्मार्ट रीडर. बल्कि रीडर तो बने, तो रीडर ही नहीं है, इतना घबराते रीडिंग देख के घबरा जाते, इतने सारे वर्ड्स. जैसे वो कीबोर्ड होता है, उसकी एक दहशत होती है ना, उस दहशत को तो पहले ख़त्म करें. अब उसके लिए माई फर्स्ट एडवाइस, रीड न्यूज़पेपर्स, बिजनेस बुक्स. अब कैसे न्यूज़पेपर सिनर्जी बनाए इसमें, मैंने तो आपसे कहा कि आप रीडर बने, लेकिन क्यों ना आप स्मार्ट रीडर बने, क्रिएट अ सिनर्जी. हाउ अबाउट रीडिंग द इकोनॉमिस्ट, हाउ अबाउट रीडिंग हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, फॉर्च्यून, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन सबको पढ़ें, डॉन को पढ़ते हैं, उसका बिजनेस पेज पढ़ें. आपको पढ़ना डेली, अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते, आप फेसबुक का पेज लाइक कर लें इकोनॉमिस्ट का, इनका सबका, तो डेली दे गिव यू सम राइट, वो आर्टिकल्स वगैरह वो देंगे, तो यू ट्राई स्टार्ट रीडिंग दोज आर्टिकल्स, यू नो, उनको पढ़ना शुरू करें. किसी तरह आपको हैबिट बनानी होगी. अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं क्यों कह रहा हूँ इट्स अ सिनर्जी. पढ़ने को तो आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लें, लेकिन इसमें सिनर्जी ये होगी कि यू विल हैव सम, योर वोकैबुलरी बैंक विल इंक्रीज, और आपको लेटेस्ट इश्यूज़ का पता चलेगा जो कि ज़रूरी है इस पेपर के लिए, कोई और बात नहीं. पहले तो जो पेपर्स होते थे, वी यूज़ टू टेक आउट सम मार्क्स, कैसे कर लेते थे कि भाई कुछ एक्शन वर्ड्स डिफरेंट होते थे, डिफाइन एक्सप्लेन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्क्स हम निकाल लेते थे. लेकिन अब तो देर इज़ नो पॉसिबिलिटी, कुछ भी नहीं. यानी यूँ समझें कि अगर कोई कहता है कि आई एम डूइंग पास्ट पेपर, पास्ट पेपर से क्या फ़ायदा, पास्ट पेपर से क्या, ये तो बस एक एग्जामिनर का एक टेस्ट आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी. लेकिन जो इंडस्ट्री आनी है वो तो इंटायरली न्यू इंडस्ट्री है, कोई पता नहीं, कोई डिफरेंट कोई प्रोडक्ट आ गया. अब आप सोचें इसका किताब से भी कोई लेना देनी है ना, आपने कहा मैं पूरी बुक पढ़ के चला गया, तो भाई मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या करें. जब तक आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज ना हो, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूँ. एक शख्स है जिसने कभी ऊबर की ऐप यूज़ ही नहीं की, उसने कभी ऊबर यूज़ नहीं किया, हाँ उसने हमेशा ट्रेडिशनल टैक्सी यूज़ किया, और उसको ऊबर के मुतालिक नहीं पता, और अब वो ऊबर की वो केस स्टडी आ जाती है. आई डोंट थिंक कि वो इस तरीके से कर सकेगा जिस तरीके से एक शख्स जिसने ऊबर को इस्तेमाल किया प्रॉपर, उसके पास ऊबर की ऐप भी डाउनलोड है, उसको पता है क्या डायनामिक्स है, क्या प्राइसिंग है, क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज है, ड्राइवर्स के साथ उनका क्या, बहुत कुछ. आप जैसे आप अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो देव ऊबर एंड करीम, ऑल्दो ऊबर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट इधर नहीं है, इवन ऊबर ड्राइव का भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है. देयर सो मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ ऊबर, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है ऊबर की, ऊबर फ्रेट, ऊबर ड्राइव, ऊबर की कुछ सेलिंग भी है, हाँ दो चार इस तरह की उनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं. दे मैं यूज़ दिस प्रोडक्ट, आप पिछले अटैम्प्ट का पेपर उठा के देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ Airbnb, Airbnb का कॉन्सेप्ट ही, कितने ग्रुप स्टूडेंट्स हमने पूछा व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ Airbnb, दे डोंट नो. उसमें जबकि उसका एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है कि भाई हम जो होटलिंग इंडस्ट्री है, जो होटलिंग इंडस्ट्री का केस आया था, उसमें कहा वी हैव बिग कॉम्पिटिशन ऑफ Airbnb, जो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है. कहाँ से लाएं इसको भाई? अब या तो मैं आपसे कहूँ कि आप टूरिज्म की तरफ जाएं, ट्रैवल करें, Airbnb पे कोई होटल बुक करें और उसके बाद रहें, और उसके बाद, ऐसा तो नहीं. इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ Amazon, जो Amazon का जो कैश रजिस्टर लेस जो कॉन्सेप्ट है, इसी तरह इमर्जिंग इंडस्ट्री,
ये वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म उस पर वो बात कर सकता है, वो बात कर सकता है ये टेस्ला पे, टेस्ला के जो अभी लेटेस्ट जो उसका एलन मस्क उसने जो अपने स्टेटमेंट दिए उस पर बात हो सकती है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है। और ये चीज़ें ही यूज डूइंग इन P1 एंड P3 एज वेल। P1 P3 में वो उसने रियल केस स्टडीज हमेशा उठा के दिए। तो अब आप जब SBL की बात करते हैं, अब यूँ सोचें, मैं तो कहूँगा कि व्हाट अ जोक कि इफ़ वी हैव अ टेक्सटाइल कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वी हैव ऑल द डॉक्टर्स सिटिंग इन द बोर्ड, तो कितना बड़ा जोक है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर एक शख्स जिसको उस इंडस्ट्री का पता ही नहीं है, देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम प्रैक्टिकली यहाँ US में तो यूज़ कर रहे हैं, सही ना, नज़र आ रही है हर रोज़, तो उसके तो डायनेमिक्स पता होते हैं, इंडस्ट्री डायनेमिक्स। लेकिन बहुत सी चीज़ें जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में भी अभी लेटेस्ट अमेजोन ने एंट्री की है, अब बहुत सारी जगहों पे वो प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन बट योर पेपर इज अ ग्लोबल पेपर, तो यू हैव टू हैव अ ग्लोबल नॉलेज। वो तो ये नहीं मानेगा कि यू आर फ्रॉम श्रीलंका और इंडिया और पाकिस्तान कहाँ से हो। तो अब आपके लिए चैलेंज और बढ़ता है, वो इस तरह अब वो आप कैसे लेंगे, या तो आपका टीचर वो चीज़ें एक्सप्लेन करें, हाँ यू नीड टू हैव स्मार्ट रिसोर्स, या फिर आप इसको पढ़ें और डिटेल पढ़ें, यानी उन तमाम इंडस्ट्रीज को देखें, लेटेस्ट न्यूज़ को देखें, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को देखें जो किक आउट कर रही है, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज जो माइनस हो रही है, इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। यानी नॉट ओनली यू हैव टू बी अ गुड रीडर, वो तो बहुत ज़रूरी है गुड और स्मार्ट रीडर करना, लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रेटजिक थिंकिंग, एग्जीक्यूटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें भी आपको चाहिए। उसके बगैर बहुत मुश्किल है, उसके बगैर फिर यही है कि यू डू डिले टैक्टिक्स और डरते रहें इस पेपर से। और मैं कहा रियलिटी भी है कि डरना बनता है, ठीक है ना। तो आज से स्टार्ट रीडिंग दीज न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स, ये सब नहीं खर्च का करना इस पर, ना करें खर्चा, कोई मसला नहीं। वैसे तो इनके सब्सक्रिप्शन वगैरह एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, इलेक्ट्रॉनिक भी फिजिकल भी, लेकिन उसके अगर फिर भी वो नहीं करना चाहते तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल ऑन नेट जो बहुत फ्री ऑप्शंस हैं, वो भी ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ वेरी ग्रेट डे, थैंक यू।